अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणना, सखी जीवन हमारे, श्री महामति कहे ऐसा थ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहे ऐसाथ जी, ए ठठे की बितक, अब कहो मस्कत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, आए पहुँचे मस्कत में। अक्षराती धामदिनी, ठठे नगर से चलकर मस्कत बंदर पहुंचते हैं। ठठे नगर से पहले लाठी बंदर आएंगे और उसके पश्चात मस्कत बंदर जाएंगे। जैसे ही मस्कत बंदर उतरते हैं, सागर के किनारे महावजी भाई की दुकान थी, उनसे भेंट होती है। महावजी भाई का पहले से कुछ परिचय वंशानुगत समझ लीजिए, क्योंकि महावजी भाई भी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, लोहड़ा वंश के, और आज से 300 वर्ष पहले तो परिचय इसी नाम से लिया जाता था। कौन किस स्थान का रहने वाला है, किस कुल खानदान से है, लोग जाति कुल के नाम पर परिचय पूछा करते थे। आप बीतक सुन रहे हैं दीप बंदर से, दीप बंदर की आपने बीतक सुनी, ठठे नगर की बीतक सुनी, आज मस्कत बंदर की बीतक है, अवासी बंदर में भी प्रवेश करेंगे। श्री जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आप देखेंगे कोई आवश्यक नहीं कि वहाँ परिचित हो। आज तो किसी भी धर्म प्रचारक से पूछिए कि वहाँ कार्यक्रम करना है, तो धर्म प्रचारक घबराएगा, मेरी वहाँ सुनने वाला कौन होगा, कोई परिचित है कि नहीं, आयोजन कौन करेगा, मेरे ठहरने खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा। श्री जी के व्यक्तित्व के रूप में राजी हमारे सामने एक उदाहरण दे रहे हैं। जब नदी का जल पर्वत से चल पड़ता है तो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, उसमें बाधक पत्थरों को या तो बालू बन जाना पड़ता है घिस करके, या नदी का जल उसमें से अपना रास्ता निकाल लेता है और नदी का प्रवाह चल पड़ता है। उसी तरह से यदि आप सत्य की ज्योति को लेकर चलेंगे तो उस ज्योति को बुझाने वाले कई लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन यदि आपकी आस्था अक्षरातीत पर है, आपका समर्पण उन पर है, तो संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी सत्ता नहीं है जो सत्य की ज्योति को बुझा सके, क्योंकि उस पर सर्वशक्तिमान का वरदहस्त होता है। चारों तरफ तूफान के झंझावात हो, समुद्र में नाव डगमगा रही हो, लेकिन जिसके पास धैर्य होता है उसको मालूम होता है कि जिसकी कृपा के सहारे मैंने नौका में अपना कदम रखा है वो मेरी नौका को भी पार लगाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि मस्कत बंदर में भी बाधाएं खड़ी होती हैं, आवासी बंदर में खड़ी होगी, सूरत में खड़ी होगी, मेरठ में खड़ी होगी, दिल्ली में खड़ी होगी, उदयपुर में, मंदसौर में, रामनगर में, पन्ना में, जहाँ भी ज्ञान का प्रचार किया जाएगा ज्ञान के अवरोध खड़े अवश्य होंगे।
लेकिन महान कौन होता है? जो कठिनाइयों से कभी घबराए नहीं, जो कठिनाइयों के डर से कार्य प्रारंभ नहीं करते, वो सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं। जो कठिनाइयों से मुकाबला करने के लिए कार्य तो प्रारंभ करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, वो मध्यम स्तर के प्राणी होते हैं। और जो कठिनाइयों से जूझते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वे सर्वोपर होते हैं, वो महान होते हैं। जो भी परमधाम के ब्रह्मुनि होंगे, जिनके हाथों में राज्य ने वाणी के ज्ञान की मसाल पकड़ाई होगी, उन्होंने अपने हर जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष किया होगा, लेकिन कभी तो उन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं होगा। श्री जी से कोई परिचय नहीं महावजी भाई का, लेकिन व्यवहार तो बनाना ही पड़ता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका के लिए जा रहे थे। टिकट की तो किसी ने व्यवस्था करा दी थी, लेकिन उनके पास कहीं का परिचय नहीं था किसी से भी। एक अंग्रेज पूछने लगा जहाज में, क्या आपका कोई वहाँ मित्र है? कहते कि हाँ है। पूछा कि कौन है? उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि क्या तुम मेरे मित्र नहीं हो? वो इतना घनिष्ठ बन गया कि वहाँ जाकर उसने सारी व्यवस्था की। और एक दिन ऐसा आया कि पूरा अमेरिका स्वामी रामतीर्थ के प्रवचन पर पागल हो गया। विवेकानंद के साथ भी यही घटना घटित होती है। विवेकानंद अमेरिका में जाते हैं, कोई ठहरने के लिए जगह नहीं। एक होटल में गए तो होटल के पहरेदार ने उन्हें ब्लैक इंडियन कहकर के भगा दिया। बहुत मुश्किल से रात गुजारी। भारत की जलवायु की तरह तो वहाँ की जलवायु होती नहीं कि पेड़ के नीचे भी गुजारा कर लेंगे, वहाँ तो बर्फ पड़ती है। 5 मिनट के लिए बोलने के लिए स्वीकृति मिलती है बहुत मुश्किल से, कोई उनका सहयोगी नहीं। लेकिन 5 मिनट में एक वाक्य जब बोला, माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो पूरा 10,000 श्रोताओं से भरा हुआ कक्ष खड़ा हो गया और तालियां बजने लगी कि रुकने का नाम नहीं लेती थी। जिस विवेकानंद को अमेरिका की धरती पर कहीं रात को ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, उस विवेकानंद के प्रवचन से पूरा अमेरिका हिल उठा। जगह जगह से निमंत्रण आ रहे हैं, लोग उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। हमें अपने आत्मल पर विश्वास करना चाहिए कि हमारी आत्मा के हृदय में धाम धनी रहते हैं, और यदि हम आगे बढ़ेंगे तो संसार को हमारे पीछे चलना पड़ेगा, हम संसार के पीछे पीछे नहीं चलेंगे। वाणी कहती है, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी शुद्ध दे और को चले तुम्हारा हुक्म। लेकिन हम राज्य की पहचान ही किसी को न दें तो संसार हमारा कहना क्यों मानेगा? यही भूल हमारे साथ हो रही है। श्री प्राणनाथ जी जहाँ भी जाएंगे बाधाएं खड़ी होती हैं, लेकिन उन बाधाओं से ही तो हमें पार होना है। जो बाधाओं में अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं वो महान बन जाते हैं, संसार के लिए पूज्य बन जाते हैं और पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। उस स्थान से राज्य दर्शा रहे हैं कि छठे दिन की लीला में हमें स्वयं अपना रास्ता तलाशना होगा। हम सोचें कि सारा समाज हमारा हमें मार्ग बना करके दे और हम चल लें, धर्म प्रचारक बन जाए, तो नहीं होगा। बनी बनाई खीर तो कोई भी खा सकता है, लेकिन बहादुरी वो कहलाएगी जब हम खुद खीर बनाने में सक्षम हों, खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं, हम रास्ता स्वयं बनाएं, तो देखेंगे उसका रस कुछ और ही होगा। महावजी भाई परिचय पूछते हैं, श्री जी सब कुछ बता देते हैं। और वहाँ के संबंध से जब कोई भी विदेश में देखता है कि हमारे देश हिंदुस्तान से कोई आया है, केवल इतना पता चलना चाहिए कि हमारे देश का आया है, तो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी प्रांत का हो, विदेश में सब एक हो जाते हैं और स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। माओजी भाई अपने घर ले जाते हैं श्री जी को, आदर सहित भोजन कराते हैं, सब कुछ देखभाल होती है। और श्री जी वहाँ चर्चा प्रारंभ कर देते हैं, ठट्ठे नगर के बीतक सुनाते हैं कि ठट्ठे नगर में कैसे कैसे सेठ लक्ष्मण दास की जागनी हुई, चिंतामणि जी की जागनी हुई, सारा प्रसंग बताते हैं। और उनका जो बेटा होता है कांजीव, वो दुकान संभालने लगता है, क्योंकि महावजी भाई की दुकान जो है समुद्र के किनारे ही थी, मस्कत बंदर में। जो हिंदुस्तान के लोग वहाँ गए होते हैं, धीरे धीरे आने लगते हैं, चर्चा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जानते हैं जब फूल खिलता है
भौरे अवश्य मटराएंगे, मधुमक्खियां अवश्य आएंगी। जहां ब्रह्मवाणी की गूंज होगी वहां लोग अवश्य आएंगे। एक बात हमारे समाज में चला करती है, क्या करें, वाणी कोई सुनना नहीं चाहता। संसार तो सुनना चाहता है, हम सुनाना नहीं चाहते, या हमारे सुनाने का ढंग ऐसा होता है कि वो लोगों को आकर्षित नहीं कर पाता। यदि भागवत की किस्से कहानियाँ लोगों को आकर्षित कर सकती हैं तो अक्षरातीत के मुखारविंद से निकली हुई ब्रह्मवाणी किसी को आकर्षित क्यों नहीं कर सकती। भागवत में क्या है, किस्सा कहानियों के कपोड़े हैं कि मनु ने नाग छिक दिया, इक्ष्वाकु पैदा हो गया। नाग के छिक से इक्ष्वाकु कहाँ से पैदा हो जाएगा। सस्मिंदु की 1 अरब संतान थी, 1 अरब संतान तो भारत की जनसंख्या है, कैसे कोई इस व्यक्ति पैदा कर देगा। चित्रकूट की 1 करोड़ रानियाँ थी, 1 करोड़ रानियों से विवाह क्यों करेगा कोई। 1 करोड़ रानियों से विवाह करेगा तो बेचारा तो वो बात कब करेगा। 1 करोड़ रानियाँ जिसकी होगी उसका तो जीवन में कभी एक बार नंबर भी नहीं आएगा कि महाराज से 2 मिनट बातें भी कर लें। और कौन पुरोहित होगा जो 1 करोड़ रानियों से फेरे दिलवाएगा। लेकिन भागवत के लिखने वाले ने लिखते समय सोचा ही नहीं कि कोई विचार भी कर सकता है कि ये बातें मैं गपोड़े लिख रहा हूँ तो ये संभव है कि नहीं। प्रियव्रत राजा ने अपना रथ घुमा दिया तो समुद्र बन गया, रथ के पहियों के गड्ढे बनने से समुद्र बन गए। ऐसे गपोड़े भागवत में हाँके गए हैं और उस भागवत को कहा जाता है कि भागवत सुनने से देवचंद जी को राजी का दर्शन हुआ। यदि भागवत के सुनने से दर्शन हो जाता है तो भागवत के लिखने वाले को पहले ही हो जाना चाहिए था, और भागवत सुनाने वाले कांजी भट्ट थे उनको पहले हो जाना चाहिए था। किसी को दर्शन नहीं होता, देवचंद जी को दर्शन हुआ था। परमधाम के मूल संबंध से चितवनी थी, करते थे, तड़प थी उस प्यास को बुझाने के लिए, उस तन से लीला कराने के लिए अक्षरातीत को स्वयं आकर के दर्शन देना पड़ा। भागवत के श्रवण से या भागवत के कहने सुनने से न कभी किसी को अक्षरातीत का दर्शन होता है, न हुआ है, न कभी होगा, क्योंकि भागवत का प्रतिपाद्य उपास्य कौन है। भागवत के लिखने वाले को कुछ पता नहीं कि मैं किसको इष्ट बना रहा हूं। ये जरूर है पहले श्लोक में श्रीकृष्ण की वंदना की गई है, लेकिन कहीं नारायण को परब्रह्म, कहीं शिव को परब्रह्म, कहीं विष्णु को परमात्मा, वह स्वयं भ्रमित है। रासलीला किसने की ये उसको खुद पता नहीं। कहीं कहेगा भागवत का रचनाकार कि राज्य अक्षरातीत ने की, फिर कहेगा कि विकृतम ब्रजबधो चैद्रम विष्णु श्रद्धा सुणयातया, यानी विष्णु ने ये रासलीला की। कभी योग माया में क्या प्रवेश विष्णु भगवान करेंगे, क्या विष्णु को पता था कि निराकार से परे बेहद मंडल है। कहने का ऐसे क्या है, व्यास जी का नाम लिया जाता है, वाणी में भी ऐसे प्रसंग आते हैं, लेकिन सच तो यह है कि 18 पुराण व्यास की उपाधिधारी अलग अलग विद्वानों ने लिखे हैं, जिसके कारण सभी के कथनों में विरोधाभास है। विष्णु पुराण का खंडन शिव पुराण करेगा, शिव पुराण के अनुसार शंकर जी परब्रह्म है, विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु परब्रह्म है, देवी भागवत के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवी के सेवक है, देवी ही सर्वोपरि है। हर पुराण में एक दूसरे की आलोचना की गई है, एक दूसरे के लिए कट शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि एक ही कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे होते तो एक दूसरे के कथनों में विरोधाभास नहीं होता। और हिंदू समाज में इसलिए अनेकों पंथ खड़े हो गए, आपस में घृणा देश का वातावरण है, क्योंकि एक पंथ दूसरे पंथ की आलोचना करता है, सत्य का ग्रहण नहीं करना चाहता है। हाँ, भागवत में ब्रजलीला अच्छी है, रासलीला अच्छी है, इसलिए पद्धति में कहा गया कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत। भागवत में ब्रजलीला का वर्णन होने से, रासलीला का वर्णन होने से यह हमारा साक्षी ग्रंथ है शास्त्र के रूप में। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्मवाणी को हम पीछे कर दें और भागवत की किस्सा कहानियां शुरू कर दें। जहां ब्रह्मवाणी की चर्चा होगी परमधाम की आत्माएं खींच खींच कर आएंगे, लेकिन जो संसार के प्राणी हैं वो उसका विरोध भी शुरू कर देते हैं।
कान महावजी भाई चर्चा सुनने लगते हैं, धीरे धीरे चर्चा का प्रभाव पड़ता है, चर्चा उनको अत्यधिक मीठी लगती है। ब्रह्मवाणी की मिठास क्या है इसको यदि आप जानना चाहते हैं तो आप सत्युति पढ़ करके देखिए। एक आत्मा की पुकार है, छह ऋतुओं में अपने प्राणेश्वर को वो ब्रह्मात्मा कैसे पुकारती है इंद्रावती जी के रूप में, और हमें कैसे पुकारना है ये उसमें शिक्षा दी गई है। सागर श्रृंगार का ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात हमने क्या उपलब्धि की इसका मूल्यांकन यदि करना हो तो सिंधी ग्रंथ का अवलोकन कीजिए। सागर और श्रृंगार में कौन बोल रहा है? संसार में ऐसा कोई ऋषि मुनि है, कोई विद्वान है जिसने अक्षरातीत के नख से सिख तक एक एक अंग का वर्णन किया हो, जिसने बताया हो राज्य के होठ कैसे हैं, राज्य का माथा कैसा है, अंगुलियां कैसी हैं, नाखून कैसी हैं, हृदय कमल कैसी हैं, चरण कमल कैसी हैं, जिनके एक एक नख में करोड़ों अरबों सूर्यों का प्रकाश छिपा हो, खरबों चंद्रमा की शीतलता छिपी हो, जिस परम धाम के एक एक कण में अनंत सूर्यों का प्रकाश छिपा हो, उस परम धाम की शोभा, उस युगल स्वरूप की लीला शोभा श्रृंगार का वर्णन कोई भी मानवीय बुद्धि से नहीं कर सकता। पुराण संहिता में भगवान शिव कहते हैं कि हे व्यास जी, मैं एक कल्प तो क्या, करोड़ों कल्पों में भी परम धाम के एक पत्ते का भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जब योगेश्वर शिव कह रहे हैं कि मैं करोड़ों कल्पों में एक पत्ते का भी वर्णन नहीं कर सकता, तो आज की मानवीय बुद्धि से भला मनुष्य परमधाम का वर्णन क्या कर सकेगा? परमधाम की ब्रह्मवाणी का रस तो वही जान सकता है जिसने ब्रह्मवाणी में गोता लगाया हो, जिसमें अक्षरातीत स्वयं महामती जी के धाम हृदय से कहलवा रहे हैं कि वर्णन करो रे रुचि हके तुम सिर दिया भार, अर्ज किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार। ये किसकी वाणी है? किसी मनुष्य की नहीं, किसी मानवीय बुद्धि से कही हुई रचना नहीं है। जब आप ब्रह्मवाणी को सुनाएंगे तो सारा संसार पागल होकर के आपके पीछे आएगा कि आप हमें बताइए कौन है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, और उस परमात्मा को पाने का मार्ग क्या है। आप देखेंगे संसार में हजारों मतपंथ हैं, शांति के लिए दुनिया भागी फिर रही है। अभी आपने दृश्य देखा, केवल कुछ पापों से मुक्ति के नाम पर छोटे छोटे बच्चे बूढ़े, मैं तो नहीं देख पाया, पहले कुछ देखा करता था, गंगा जल लाकर शिव जी के पिंड पर चढ़ाने के लिए व्याकुल हैं। वो क्या सोचते हैं? ऐसा कर लेंगे तो हमारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। यदि उनको यह बताया जाए कि यदि तुम सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लोगे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, और कुछ नहीं करना है, कोई दीपक नहीं जलाना है, कोई भोग नहीं लगाना है, शुद्ध हृदय से शांति से बैठ जाओ, अपने मन को शांत करो, अपनी सुरता को परम धाम में ले चलो और साक्षात देखो, आप देखो औरों को दिखाओ, इससे अधिक सरल मार्ग क्या होगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज ने भी वाणी को मंदिरों की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया, चितवनी का रास्ता नहीं खोला, चितवनी के आधार पर कर्मकांड थोप दिया, सेवा पूजा के नाम पर चितवनी छिपा दी गई। यदि चितवनी हर जन जन के हृदय में बैठ जाए, हर व्यक्ति सात्विक आहार करने लगे, वाणी के प्रकाश में गोता लगाने लगे, तो इस दुनिया में यहीं बैठे बैठे परम धाम की दीदार का दरवाजा सबके लिए खुल सके। आवसी आवसी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सोसत बानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। किसका दर्शन करना है? उस प्राणेश्वर अक्षरातीत का जो महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहा है, वह अक्षरातीत जो स्वलीला अद्वैत स्वरूप है जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना था। तभी तो वाणी कहती है, सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े है तुम, जो कबो किन कानों ना सुनी सो करो दीदार कसम। उस अक्षरातीत का दर्शन कीजिए जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना नहीं था। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने ना श्रवणो सो इत मिल्या नरार। किसी ने सपने में भी नहीं सुना था कि अक्षरातीत कहते किसको हैं।
जैन मत में जो 24 तीर्थंकर होते हैं वे अपनी कठोर साधना के कारण तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर का पद किसको मिलता है? जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने मन को जीत लिया हो, जो समत्व में स्थित हो गया हो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गया हो, जिसे संसार की कोई भी तृष्णा मोह में नहीं बांध सकती, जो अपनी आत्मा के चैतन्य स्वरूप में रमण कर रहा हो, उसको तीर्थंकर कहा जाता है। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए महावीर स्वामी को कितने कठोर तप करने पड़े थे। 12 वर्षों तक उन्होंने घोर तप किया था, खड़े होकर तप किया था। एक व्यक्ति उनके कान में छेद दे देता है। एक किसान था, उसके बैल खो गए थे। उसने महावीर स्वामी से पूछा कि मेरे बैल इधर खो गए हैं, क्या आपने देखा है? वो ध्यान में थे, बोले नहीं। उसको गुस्सा आया, उसने कान में लकड़ी घुसेड़ दी, खून बहने लगा, फिर भी महावीर स्वामी ने क्रोध नहीं किया। इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी उनको कहाँ का पद मिला? केवल निराकार। अव्याकृत का पता नहीं, सबलिक केवल सत्स्वरूप का पता नहीं, परम धाम तो दूर की बात है। इतनी साधना करने के बाद और तारतम ज्ञान के प्रकाश में आप आसानी से कह सकते हैं कि निराकार के पार थे तीन पार के पार। आप आसानी से परम धाम का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन इस ज्ञान को छिपाए रखना सबसे बड़ा पाप है। यदि संसार में तो बहुत से पाप होते हैं, हमारे समाज को भी ये दोष भोगना पड़ेगा कि संसार में ये ज्ञान आया, राज्य ने दिया कि सबको बांटो, आप देखो औरों को दिखाओ, लेकिन इस ज्ञान को हमने एक छोटा सा संप्रदाय बनाकर अपने में छिपाए रखा, दूसरों को प्रेरित नहीं किया कि वो आकर के ध्यान सीखें। संसार में जो छोटे मोटे पंथ हैं, जो बेचारे कुछ नहीं जानते, ध्यान की गहराइयां नहीं जानते, निराकार का ध्यान करते हैं, कोई ज्योतिष रूप में फंसा है, कोई कहीं फंसा है, वो कई कई घंटे का ध्यान करते हैं, कराते हैं। और हमारी समाज में जहाँ भी जाइए केवल घंटी घड़ियाल की ही आवाज़ सुनाई पड़ती है। किसी से पूछिए कि आप चितवनी करते हो, पूछेगा चितवनी क्या कहलाती है? इससे बड़ा दुखद और कुछ नहीं होगा। जिसके पास हीरों की तिजोरी हो, वो अपने झोपड़ी में रहे और बोर्ड लगा दे भिक्षुक राज की कि हम तो भिखमंगे हैं, वैसे ही हमारा हाल है। न हमने चितवनी की, न दूसरों को करने के लिए प्रेरित किया, न हमने वाणी के तत्व ज्ञान गहराई से ग्रहण किया, न संसार को ग्रहण करने दिया। प्रश्न ये होता है, जब हमारी परात्म में जागृति होगी, राज्य को हम कौन सा जवाब देंगे? हमसे तो अच्छे वो दुनिया वाले हैं जो थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं लेकिन सारे संसार में फैलाने का साहस रखते हैं। हम तो डरते कांपते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि हमको राज्य पर ही पूरा अभी विश्वास नहीं है। जिसको यह विश्वास हो जाए कि राज्य हमारे प्राण की नली से भी निकट हैं, पल पल हमारे साथ हैं, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी डिंडिम घोष के साथ वाणी की गर्जना कर सकता है। लेकिन ये तो तब होगा जब हम प्रतिदिन राज्य का ध्यान करें, प्रतिदिन हमारे धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसती रहे। किरंतन ये कहता है, नित प्रत्ये आंगंडे उभो। एक गोपी कह रही है कि कन्हैया तुम प्रतिदिन मेरे दिल रूपी आंगन में आ जाते हो, प्रतिदिन हमारे आंगन में आ जाते हो। हमारा भी प्रतिदिन ऐसा होना चाहिए, हमारे हृदय रूपी आंगन में युगल स्वरूप की छवि एक बार अवश्य बसनी चाहिए। ये तो तब होगा जब हम आंखें बंद करके अपने प्राणेश्वर को पुकारेंगे। अब महावजी भाई का बेटा कांजी दुकान संभालने लगता है। महावजी भाई चर्चा में रस लेने लगते हैं, उनको विश्वास आ जाता है, तारतम भी ले लेते हैं। लेकिन अभी वो पक्के नहीं हुए होते हैं। पक्के होने का तात्पर्य, वाणी चर्चा अच्छी लगी, तारतम तो ले लिया, लेकिन स्वरूप की पहचान नहीं होती है। एक दिन चर्चा में खंडनी हो जाती है। ये बात बहुत अच्छी है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, नीति की शिक्षा है। लेकिन यदि माता पिता और आचार्य अपने शिष्य को या विद्यार्थी को, पुत्र को बिगड़ते हुए देखते रहें और
उसको प्रेम से भी ना समझाएं, कठोर वचनों से भी ना समझाएं, तो दोषी कौन होगा? सच्चा आचार्य, सच्चा शिक्षक, सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य में कोई दोष नहीं आने देता, चाहे उसके लिए प्रेम का मार्ग अपनाना पड़े या कठोरता का मार्ग अपनाना पड़े। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अप्रिय और सत्य कहने वाला और सुनने वाला कोई दुर्लभ होता है। हाँ, कट सत्य को सुन करके जो सहन कर लेता है वो निश्चित ही महान होता है। श्री जी एक दिन चर्चा में कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर देते हैं महावजी भाई के लिए। महावजी भाई को बुरा लगता है कि मेरे घर ठहरे हैं, मैं इनके लिए बिस्तर बिछाता हूँ, प्रेम से इतने भोजन बनवाता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, और मेरी ही खंडनी करते हैं। उनको बुरा लग गया और उस दिन चर्चा में नहीं आए, दुकान चले गए। रात को दुकान में ही सो गए कि श्री जी की चर्चा सुननी पड़ेगी। रात को सो रहे थे तहाँ मारा तमाचा राज ने, निद्रा लग गई और जोर से रात को सोते समय कस करके चांटा पड़ा। सपने में उनको आदेश दिया कि जिनकी खंडनी सुनकर तुझे इतना क्रोध आया कि तू चर्चा सुनने नहीं गया, मूर्ख तुझे मालूम है कि वह कौन है, तू जा अपने अपराध की क्षमा मांग, तभी तेरा कल्याण है। महावजी भाई आते हैं, श्री जी अभी सहन कर रहे होते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब श्री जी दरवाज़ा खोलते हैं तो चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं कि धाम धनी, मैंने आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया था। जब आप गलत कार्य करने लगें और आपको उसी समय दंड मिल जाए तो समझ लीजिए कि राज्य की हमारे ऊपर कृपा बरस रही है। यदि आपको रोका नहीं गया, आप बुरे कार्य में भी सफल हो गए, तो यह मत समझिए कि राज्य की आप पर कृपा बरस रही है। आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाता है तो आप सबसे ढिढोरा पीटते हैं, आपको पता है राज्य की कितनी कृपा है कि मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपये की बरसात हो गई, ये कोई कृपा नहीं है। कृपा किस पर हुई अभी आप सुनेंगे, सेठ लक्ष्मण दास पर हुई। एक ही रात में कंगाल कर दिया, करोड़ों पति अरबों पति से कंगाल कर दिया, सारे गोदाम का माल जल गया, सारे जहाज डूब गए और लाल दास जी के पास इतना भी पैसा नहीं रहा कि जिनके उधारी थे उसको पूरा कर सकें। लाल दास संग चले खाली लेकर हाथ, एक लोटा भी नहीं था, कुछ नहीं बचा। लेकिन सेठ लक्ष्मण दास से वो लाल दास बन गए, सबके आराध्य बन गए। मेहर हुई किस पर, मिहराज पर, कर नज़रबंद कर दिया गया झूठा आरोप लगाकर कि इन्होंने राजा का पैसा खाया है। लेकिन कारागार में गए थे मिहराज, वापस आए तो कौन हो गए, श्रीराज हो गए। ये मेहर होती है, हमें कष्ट मिलता है तो उस कष्ट में राज्य का कहीं ना कहीं प्रेम छिपा होता है। छोटा बच्चा बिच्छू पकड़ना चाहता है, माँ मना करती है कि मत पकड़ो, जबरदस्ती पकड़ने जाएगा तो क्या होगा, माँ उसको कस कर एक चांटा लगा देगी, क्योंकि चांटा नहीं लगाएगी तो उससे ज्यादा दर्द यदि बिच्छू ने डंक मार दिया तो उससे होगा। माया ही वो बिच्छू है, हमको हर तरह से लुभाएगी। राज्य संकेत देंगे कि नहीं, इसमें फंसना नहीं, यदि हम बार बार फंसने का प्रयास करेंगे तो कष्ट तो मिलेगा। इसलिए वाणी में बार बार कहा है, दुख बिना न होवे जागनी, जो करे कोट उपाय। हम सुंदर सात मेहर सागर का पाठ क्यों करते हैं, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए। लेकिन महामति जी की भाषा कुछ और है। महामति जी कहते हैं, श्री महामत कहें इन दुख को, मोल न कियो जाए, लाख वेर सिर दीजिए तो भी सरभर ना आवेता है। यदि लाखों बार अपनी गर्दन काट करके वे दे दिया जाए तो जो दुख के बदले हमें विवेक मिलता है उसकी बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेहर सागर का पाठ कर, स्वरूप साहब का पाठ कर कोई सुंदर सात राज्य से माया का दुख मांगता हो। सब यही मांगते होंगे कि हमें मिनिस्टर बना दीजिए, हमें करोड़पति बना दीजिए, या जो जो संसारी की इच्छाएँ वही लेकर के मांगते होंगे। लेकिन उसको लेकर के आप क्या करेंगे, कितने समय तक संसार के धन संपदा ढोते रहेंगे। जो आपका आराध्य है, जो आपका प्रेमेश्वर है, उसको अपने हृदय मंदिर में आने के लिए क्यों नहीं कहते,
क्यों नहीं पुकार करते कि राज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे धाम हृदय में आ जाओ, मेरी आंखों के सामने आ जाओ। यह पुकार तो कोई बिरला ही करता होगा। हम भी दुनिया वालों की किस तरह ही तो हैं। दुनिया वाले देवी के मंदिर में जाते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं, मन्नत मांगते हैं। हम भी गुम्बट जी जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मिठाई का पैकेट चढ़ाते हैं। वहाँ ये नहीं कहते कि राज जी आप मेरे धाम हृदय में आइए। हमने राज जी को एक देवी देवता बना लिखा है, जो एक मिठाई के पैकेट और एक नारियल के चढ़ावे से खुश हो जाए और हमको माया से मालामाल कर दे। यदि माया से हम मालामाल हो जाते हैं, कहते हैं कि राज जी कितने मेहरबान हैं। और यदि माया नहीं मिलती है तो गिले शिकवे भी करते हैं, इससे अच्छे तो हम देवी के भक्त थे तो अच्छा था, घर में हर तरह की खुशहाली थी, अब पैसे से भी तंग हैं, रोग भी आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये सुख तो संसार के उन मायावी जीवों को भी है जो मोह सागर में कीड़े पतंगों की तरह उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके पास विवेक हो जाता है उनके लिए तो संसार का सुख स्वप्न के समान होता है। उस पूछिए भर्तृहरि से, जो संपूर्ण भारत का सम्राट है और राज सिंहासन को ठोकर मारकर एक पल में निकल जाता है भिक्षा पात्र लेकर। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने अपना स्वर्ण महल छोड़ दिया, राजमहल का सुख उन्हें लुभा न पाया, पर्णकुटी में गुजारा कर रहे हैं किसके लिए। जिनकी विवेक दृष्टि जागृत होती है, छोटी उम्र में भी बच्चे गृह त्याग करके संन्यास ले लेते हैं, ध्यान करते हैं, उनको गौरव का आभास होता है कि हमने करोड़ों की दौलत को ठुकरा कर परमात्मा के चरणों में अपना जीवन लगाया है तो यही जीवन सार्थक है। लेकिन जिनकी आंखों पर माया का पर्दा बना रहता है वो संसार में धन संग्रह को ही सर्वोपरि मानते हैं। हाँ, धन संग्रह कीजिए परमार्थ के कार्य के लिए, उससे आसक्ति ना पालिए, क्योंकि संसार का हर पदार्थ हमसे बिछुड़ने वाला है, हमारा शरीर भी हमसे बिछुड़ जाएगा। अब जब महावजी भाई को श्री जी के मुखारविंद से अलौकिक चर्चा सुनने को मिलती है तो वो धन धन हो जाते हैं। सच्चे हृदय से पहचान करके उन पर समर्पित हो जाते हैं। लेकिन जब समर्पित होंगे तो क्या होगा, उनके घर वाले ही दुश्मन बन जाते हैं। माता पिता पत्नी बेटे सब लड़ाई करने लगते हैं, जब देखो तब चर्चा सुनते रहते हैं, जब देखो तो ध्यान करते रहते हैं। दुकान कौन चलाएगा, गृहस्थी कौन चलाएगी। पत्नी क्या कहती है कि यदि परमात्मा से इतना प्रेम करना था तो हमसे विवाह क्यों किया। माता पिता कहते हैं कि भाई थोड़ी देर चर्चा सुन ली, क्या दिन रात चर्चा ही सुनोगे। अब महावजी भाई परम धाम की आत्मा है, जिसको परम धाम का रस मिल जाएगा वो संसार की तरफ क्यों देखेगा। लेकिन अरब की धरती पर तो कोई परम धाम का ज्ञान सुनाने वाला नहीं था। कितने भाग्य की बात है कि स्वयं अक्षरातीत चल करके वहाँ आए। लेकिन जहाँ उजाला होगा कुछ समय के बाद अंधकार भी होता है, ये ध्यान रखिए। जहाँ श्री जी की अलौकिक चर्चा होगी वहाँ विरोध अवश्य होगा, वहाँ भी विरोध खड़ा होता है। दज्जाल किसको कहते हैं, दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिराए देवे सब अकल। हमारी बुद्धि उल्टी हो जाए तो हम उल्टा कार्य करने लगेंगे। तुलसीदास जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि आती है तो सुख ही सुख होगा, और जब उल्टी बुद्धि हो जाती है तो आपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। यदि हम राज्य के चरणों से अपनी निष्ठा अटूट बनाए रखते हैं तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मवाणी की वहाँ गूंज सुनकर काफ़ी जो कथावाचक लोग होते हैं, जिनको अपनी प्रतिष्ठा जाने का डर रहता है, वो विरोध में खड़े हो जाते हैं कि नए व्यक्ति आकर के कहाँ से परम धाम का ज्ञान सुनाने लगे। हम तो अपनी गीता भागवत सुनाते थे, सबको खुश किया करते थे। विरोध होने लगता है, कुछ किरंतन उतरते हैं, हमारे नए चार नए किरंतन होते उतरते हैं,
जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना था, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म कुमार, मद माती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बावरी, बावरी किसको कहते हैं, जो पागल हो गया। संसार के प्राणी किसमें पागल है, विषय सुखों में, विषयों में किसी को आज तक तृप्ति नहीं मिली। शराबी मरते समय तक शराब पिएगा, फिर भी उसकी तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती। तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा, हम बूढ़े हो जाएंगे, तृष्णा हमारी कभी नहीं बूढ़ी होगी। जिनको मिर्च खाने का शौक है, मरते समय भी मिर्च खाने की तृष्णा नहीं जाएगी। मांसाहारी को मांस की तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती। नशेड़ी को नशा नहीं छोड़ना चाहता, जब तक उसके अंदर विवेक जागृत नहीं होता कि यह हानिकारक है, तब तक किसी भी तरह से वो अपनी बुराई को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। अब श्री जी उन किरंदनों में संसार के लोगों को प्रबोधित करते हैं कि रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये सब कोई है से आना। संसार में कोई भी अपने को मूर्ख सोचना नहीं चाहता। आप किसी को जाकर अध्यात्म की बातें ज़्यादा सुनाइए तो आज के युग में वो क्या कहेगा, लगता है इनका दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया है। आज चतुर जहाँ कौन है जो 420 यानी छल कपट करके धन कमा ले तो उसको बहुत समझदार माना जाता है। जो अध्यात्म की राह पर चलता है, लोग यही कहते हैं कि कम बुद्धि है, इसलिए ये परमात्मा की खोज में लग गए। श्री जी अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, रे भूल नाम महामत तू आपे आप संभार। महामती तू अपने को तो देख, तुझे विरह का ताप लग रहा है, तुझे प्रीतम से मिलन का विरह है, और ये संसार के लोग तेरी बात नहीं सुनना चाहते, तेरे दुश्मन होकर के आ रहे हैं। महामती तू चाहता है कि सारे संसार में परम धाम का ज्ञान फैल जाए, और ये लड़ने के लिए आ रहे हैं कि तुम परम धाम का ज्ञान क्यों फैला रहे हो, यही सबसे बड़ी समस्या है। जो अंधेरे से पैदा हुए हैं वे उजाले में क्यों जाना चाहेंगे। जो मोह सागर की मछली है, खारे जल की मछली दूध में रहना क्यों चाहेगी, वो तो दूध में डालेंगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा, वो तड़पने लगती है, खारे जल में डाल दीजिए उसी में खुश है। जो माया से पैदा हुए हैं माया में ही खुशी उनको लग रही है, वो कभी भी परम धाम की चितवनी नहीं चाहेंगे, कभी भी परम धाम की ब्रह्मवाणी नहीं चाहेंगे। संसार में केवल पट पहर खाए चिकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, जिंदुनी करी मुर्दार। परम धाम की आत्माएं जिनको छोड़ती हैं, संसार के प्राणियों के लिए वही प्रिय होता है। हेम जवेर सिंगार, हीरे मोती के आभूषण जिनको प्रिय लगते हैं, जिनको खाना पीना ही सब कुछ लगता है, वो तो संसार का वैभव विलास है। इसलिए ये जो चार प्रकरण हैं, रेहो दुनिया बावरी, रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये सारे प्रकरण उस तथ्य की तरफ है कि अपनी आत्मा के कल्याण की तरफ हमें ध्यान देना होगा। यदि संसार सुनता है तो ठीक है, ज़्यादा धैर्य खोने की भी आवश्यकता नहीं है, व्याकुल होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे बादल बरसते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, स्वाभाविक है। 24 घंटे भी चर्चा सुनाई जाए तो सभी लोग परम धाम का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि का नियम है। संसार में सभी धर्मात्मा नहीं हो सकते, सभी पापी नहीं हो सकते, सभी महात्मा नहीं बन सकते, सभी गृहस्थी नहीं हो सकते, क्योंकि सत्व रजतम के संसार में कभी भी एक रूपता नहीं हो सकती है। एक बार अकबर को दिखाते हुए बीरबल ने गधे को खूब नहलाना शुरू कर दिया। बीरबल ने जब ऐसा करना शुरू किया, अकबर ने पूछा कि बीरबल क्या कर रहे हो, कहा कि बादशाह मैं इसको घोड़ा बना रहा हूँ।
अकबर ने पूछा कि गधा घोड़ा हो सकता है? बीरबल कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता, देखिए मैं तो बना ही रहा हूं। कहने का से क्या है, बीरबल का प्रयास से वो गधा घोड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आजकल गधे और घोड़े का मेल कराकर खच्चर तो बनाया ही जा सकता है। जो माया के जीव हैं श्यामा जी का दर्शन नहीं कर सकते, मान लिया जाए, लेकिन परम धाम के दर्शन का उनको भी अधिकार है। जो तृष्णाओं में फंसे हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार की अग्नि में जल रहे हैं, मांस शराब में जल रहे हैं, उनको भी यदि परम धाम के ज्ञान का प्रकाश दिया जाए तो वो भी सुधर सकते हैं। यदि अंगुलिमाल बुद्ध के चरणों में आ सकता है, वाल्मीकि जैसा डाकू ऋषि महर्षि बन सकता है। कई घटनाएं भरी पड़ी है इतिहास में, बड़े से बड़े पापी भी ज्ञान का प्रकाश पाकर सन्मार्ग पर चल पड़े। तो हमें भी यह सोचना होगा कि भले ही ब्रह्मवाणी को कोई सुन नहीं रहा हो, एक ऐसा समय आएगा जैसे कुएं में पानी होता है, रस्सी से जब पानी खींचा जाता है, जो कुएं की मंडोर है वो घिस घिस कर पत्थर की मंडोर भी घास की रस्सी से घिस जाती है। उसी तरह से कितना भी मनुष्य पापी हो, ज्ञान का प्रकाश अंदर जाएगा, आखिर है तो मानो ही, कभी न कभी उसमें भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इसलिए बादल बरसते जाते हैं, किसी से पूछते नहीं, बरसना उनका काम है। उसी तरह से जो भी धर्म प्रचारक हैं उनका कर्तव्य है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, सुनने वाले 5 हैं या 500, इससे कोई लेना देना नहीं। जो सुनने वाले हैं फूलों के हार डाल रहे हैं या पत्थर फेंक रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कर्तव्य है जिस तरह से वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी वो वृक्ष मीठा फल देता है, उसी तरह से ब्रह्मवाणी की गूंज करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। कोई सुने या न सुने, लेकिन ये निश्चित है हम सुनाएंगे। कोई आज नहीं सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, परसों तो अवश्य सुनेगा, क्योंकि ब्रह्मवाणी की इतनी शक्ति है कि बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे हो सी टू टू। परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी तो इस ब्रह्मवाणी की आवाज को सुन करके फना हो जाएगी। हम यही कहानी गढ़ लेते हैं कि ब्रह्मवाणी को सुनना कौन चाहता है, भागवत को हर कोई सुनना चाहता है, इसलिए हम भागवत सुनाना चाहते हैं। भागवत की किसी कहानियां सुनाकर अब संसार को क्या देंगे, यह वाणी अक्षरातीत के हृदय कमल से प्रकट हुई है। ये नूर आगे थे आया अक्षर ठौर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार। ये वाणी क्या है, अक्षर के परे अक्षरातीत के हृदय मंदिर से यह वाणी का प्रवाह निकला है, जो महामती जी के धाम हृदय में प्रविष्ट हुआ। एक बूंद आया हक दिल से तिन कायम के थिरचर, इन एक बूंद की सिफत देखियो सुख होसी कैसा सागरो बल। अक्षरातीत के हृदय में अनंत सागर उमड़ रहे हैं, प्रेम के आनंद के ज्ञान के एकत्व के मूल संबंध के, उन सागरों की एक बूंद आई महामती जी के धाम हृदय में और वह सागर बन गई, जिसको कहते हैं नूर सागर। सूर मार्फत सब दिलों करसी रोशन, ये नूर का सागर है, तारतम ज्ञान का सागर है, मार्फत के ज्ञान का सूर्य है। इस वाणी के ज्ञान जैसा कोई ज्ञान न अब तक आया था न कभी आने वाला है, क्योंकि कहा किसने है, स्वयं अक्षरातीत ने। इसके पहले संसार में कितने ग्रंथ अवतरित हुए, वेद आए, उपनिषद आए, दर्शन आदि की रचना ऋषियों ने की, कुरान का अवतरण हुआ, बाइबल की रचना की गई, लेकिन अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है, कोई दावे से नहीं कहता था कि हम जानते हैं कि सच्चिदानंद परब्रह्म कौन है, कहाँ है, कैसा है, हम कौन है, शरीर छोड़ने के बाद हमें जाना कहाँ है। संपूर्ण धर्म ग्रंथों का सार तत्व इस ब्रह्मवाणी में सरलता से प्राप्त हो जाता है, और जो गुहितम बातें जो अब तक मानस पटल पर नहीं आ सकी थी वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगती है।
ऐसी ब्रह्मवाणी में हम गोता लगाएंगे तो निश्चित है कि हमारे परम धाम का मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। और जिसने इस ब्रह्मवाणी को लेकर संसार में फैलाने का दृढ़ संकल्प किया, उसके सामने कठिनाइयां तो आई आती हैं और भविष्य में भी आएंगी, लेकिन जिसके सिर पर अक्षरातीत खड़े हैं, जो ये मानता है कि मेरी आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत पल पल विराजमान हो रहे हैं, वो कभी भी किसी बाधा से डरेगा नहीं। आप देखेंगे मस्कत बंदर में, जहाँ कुछ लोग हिंदुस्तानी रह रहे हैं, उनके बीच में जाकर श्री जी वाणी की गर्जना कर रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ सुंदर साथ की जागनी शुरू होती है। रूपा और राधा वहाँ आती हैं। जब श्री जी जैसे ही पहले गए थे, महावजी भाई से मिले थे, रूपा और राधा ये दो महिलाएं हैं जो दीप बंदर में रहने वाली थी और उनको भी अरब लुटेरे पकड़ ले गए थे। विश्वनाथ भट्ट भी मिलते हैं, उनको भी पकड़ ले गए थे। उन्होंने भी आकर बताया कि श्री जी भाई जी का पता चल गया है और वो भी हैं, हमने उनका पता कर लिया है, सब छुड़ा लिए गए थे, केवल भाई जी राज ही और कुछ लोग बाकी रह गए थे। धीरे धीरे जागनी का प्रवाह वहाँ फैलता है, सुंदर साथ का समूह बढ़ने लगता है। जागने के प्रकाश में सबकी आत्मा जागृत होने लगती है, तो विरोध उन्हीं के घर पर खड़ा हो जाता है, महावजी भाई के घर। पत्नी विरोध में है, बेटा विरोध में है, माता पिता भी विरोध में है। हमारे और धनी के बीच में यदि कोई बाधक बनता है तो संसार का कोई भी रिश्ता है उसको क्या समझना चाहिए, यही माया का स्वरूप है, इसी को दज्जाल कहते हैं। हिंदी भाषा में इसको कलयुग कहते हैं और कतेब की भाषा में इसको दज्जाल कहते हैं। दज्जाल कोई अलग वस्तु नहीं है, हमारे हृदय में जो अज्ञानता का अंधकार है वही दज्जाल है। हमें सत्य नहीं दिख रहा है, हमें क्या लगता है कि यह मेरा पुत्र है, मेरे प्राणों से प्रिय है, यह मेरी पत्नी है, प्राणों से प्रिय है। पत्नी को लगता है कि पति ही परमेश्वर है, संगे संबंधी लगते हैं कि यही हमारे हैं। जो हमारा है अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, वह किसी को अपना नहीं लगता, यही सबसे बड़ी भूल है। जो हमारा नहीं है वो सबको लगता है। मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। ये मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे बेटे, मेरे परिवार वाले, लेकिन सब एक एक करके बिछुड़ते जाएंगे, मौत आती जाएगी, एक एक को लेती जाएगी। जो अपने हैं वो तो साथ छोड़ते जाएंगे। जो हमारे दिल में अनंत काल से रम रहा है, जो परम धाम से हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसा हुआ है, वो हमको नजर नहीं आता। यही तो राज जी हंसी कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम मेरी याद नहीं करते। जो तुम्हारे दिल में नहीं रहते उनके पीछे तुम पागल हो रहे हो। जैसे दुनिया के जीवों की हालत है, हमारी हालत भी वैसे ही हो गई है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जीवों के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है और उसको यह दिख रहा है कि जीव कैसे होते हैं। कभी एक गुरु गोविंद सिंह ने एक बहुत ऊंची बात कही थी कभी कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नाही तो वो बांच रहे काहे को गवावे नूर। हर बच्चा कैसा हो या तो वो वीर हो जो देश और धर्म के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार रहे, या योगी हो परमात्मा की भक्ति में लगे रहने वाला हो, या धनोपार्जन करके मानवता के कल्याण में धन दान करने वाला हो, अन्यथा वो इससे तीन गुण जिसमें न हो वो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पर। तो माता का जन्म देना सार्थक है, अन्यथा वो बांझ ही रहे तो ज़्यादा अच्छा। कहने का इससे क्या है, संसार में यदि हमने मानव तन धारण किया तो हमारा स्वरूप पर लक्ष्य होना चाहिए, हम स्वयं को जान जाएं, हम हैं कौन, क्या हम हड्डी मांस के पुतले भर हैं, हमारे शरीर की क्या उपयोगिता है। हड्डियों का ढांचा है, ढांचे के ऊपर चमड़े का ढक्कन है, मांस अंदर भरा हुआ है, मलमूत्र भरा हुआ है। जब जीव इस शरीर से निकल जाता है, जब तबीयत खराब होने लगती है,
पलंग पर लेटे होते हैं तो घर वाले पलंग से भी उतार देते हैं, क्योंकि पलंग पर मर जाएंगे तो ये पलंग दान करना पड़ेगा, पलंग से नीचे उतार देंगे तो पलंग हमारा घर में ही रह जाएगा। ये तो घर वालों का हमसे इतना प्रेम है, जिनके लिए हम हाय तोबा मचाते हैं वो ये चाहते हैं कि मरे तो ज़मीन पर मरे ताकि हमारा एक पलंग का नुकसान ना हो। मर जाने के बाद जब तक जीवित रहते हैं घर को सजाया जाता है, जो हम कपड़े पहने रहते हैं हमारे कपड़े भी उतार करके गरीबों को या किसी को दे दिया जाता है, उस कपड़े को घर में रहने नहीं देगा, जल्दी से घर से बाहर निकाला जाएगा, नहीं तो कहा जाएगा कि घर अशुद्ध हो गया, घर को साफ सुथरा किया जाएगा। किसके लिए? जिस जीव के रहने से शरीर पवित्र था, उस जीव को खुद ये मालूम नहीं कि मैं हूँ कौन, वो खुद को नहीं जानना चाहता, वो किसको जानता रहा था? अपने शरीर के संबंधियों को। सभी शरीर के संबंधी हैं, आत्मा का कोई संबंधी नहीं। आत्मा से किसी को प्रेम नहीं होता, सभी स्वार्थ के प्रेमी होते हैं, संसार के सारे रिश्ते इलसे उलझे होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि रिश्तों को तोड़ दीजिए, रिश्तों को निभाइए, लेकिन आसक्ति में डूब कर नहीं, कर्तव्य की भावना से। पत्नी के प्रति कर्तव्य है उसका भरण पोषण करना, बच्चों के प्रति कर्तव्य है, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, लेकिन पहला कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रीतम से प्रेम करना और अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना। यदि हमने ऐसा कर लिया तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा, यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। शरीर छूटने से पहले यदि हमारी आत्मा को हमारा प्राणेश्वर अक्षरातीत नहीं मिला तो ये जीवन निरर्थक है। जो मासूक सेजना आया, मासूक कौन है? श्रीराज जी। जो मासूक सेजना आया देख्या सुनिया न कही बात, हमने अपनी आत्मा की आंखों से राज जी को प्रत्यक्ष देखा नहीं, उनसे बातें नहीं की और उनकी बातों को अपनी आत्मा के कानों से सुना नहीं। सुखंग निंडियो इन सेज को तय निर्फल गई जो रात, और इस संसार में बैठे बैठे राज जी से मिलन का सुख नहीं लिया तो इस संसार में आना ही हमारा व्यर्थ है। ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए था, लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन कदम बढ़ाता है? हमारे समाज को के अग्रगण्य लोगों को तो ये चाहिए था कि ब्रह्मवाणी का प्रकाश करते, सारे संसार को बताते कि संसार के लोगों तुम विपसना करके थक गए हो, यदि वितराग योग करके थक गए हो, राजयोग करके थक गए हो, हठयोग करके थक गए हो, गिरजाघरों में गुरुद्वारों में जा करके थक गए हो, तो अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी में गोता लगाओ, हम तुमको परम धाम का मार्ग दिखाते हैं। तुम्हें कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, तुम्हें चारों धामों का दर्शन करने की जरूरत नहीं है, गंगे में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे हृदय से ध्यान के द्वारा परम धाम में अपने सुरता ले चलो, यहीं बैठे बैठे तुम्हें बोध होगा तुम्हारी आत्मा का स्वरूप क्या है, तुम्हारे प्राणेश्वर अक्षरातीत का स्वरूप क्या है। धीरे धीरे जागने का प्रवाह बढ़ता है, परिवार में कितना भी विरोध होता है महावजी भाई डिगते नहीं है, और ये सबसे बड़ी बात है। आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाएंगे, लहरें आएंगी, यदि आप घबराएं तो लहरें आपको बहा ले जाएंगी, आप दृढ़ता से वहीं खड़े रहिए, लहरें आएंगी शांत से चली जाएंगी। इसलिए यदि आपको कभी परेशानी होती है तो धैर्य बनाए रखिए, ये सोचिए कि रात की काली घटा है, घटा टोप अंधकार है तो प्रातःकाल का सूरज उगेगा अवश्य। लेकिन ऐसी दृढ़ता किसके मन में होगी? जिसके हृदय में राज्य के लिए अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा होगी, हर पल सोचेगा कि राज्य हमारे साथ है, मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है। अब धीरे धीरे प्रकाश फैलता जाता है, मस्कत बंदर की जागनी होती रहती है, विक्रम संवत 1728 का समय हो जाता है। एक भैरव सेठ रहते हैं अवासी बंदर में, उनको यह पता चलता है कि मैं भी लोहाड़ा छत्री हूँ, श्री मिहराज लोहाड़ा छत्री थे दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो, महावजी भाई भी लोहाड़ा थे, सबने जाकर विदेशों में अपना व्यापार किया था,
एक बात आप देखेंगे, गुजरात के लोग विशेषकर कच्छ के, मारवाड़ के लोग और सरदार लोग दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको मिलेंगे, चाहे व्यापार के सिलसिले में हो, कहीं भी संसार के किसी भी कोने में जाएंगे तो गुजराती, पंजाबी और मारवाड़ी अवश्य मिलेंगे। यूपी बिहार के लोगों ने कूपमंडूकता अपना ली, कहीं बाहर जाना नहीं सीखा, संसार से ज्ञान लेना नहीं सीखा, अपने ही दायरे में सिमट कर रह गए। इसलिए कभी उत्तर प्रदेश को ज्ञान की धरती कहा जाता था, यहाँ के लोग वैसे ही पीछे रहे। भैरव सेठ हैं, अब्बासी बंदर में रहते हैं, इतना धन है उनके पास कि भैरव सेठ ने सोचा कि जब सब बिरादरी वालों को छुड़ा लिया गया है तो मेरी बिरादरी वाले क्यों बंद में रहें अरबों के। उन्होंने पता करवाया अपना मुनीम भेजकर कि सबको छुड़ाने के लिए कितना पैसा लगेगा, कहा कि 70,000। सोचा कि 70,000 तो कुछ भी नहीं है, एक ही दिन में कहा कि सबको ले जाकर छुड़ा लाऊं। आज से 300 साल पहले 70,000 की कीमत कितने करोड़ में होगी आप आकलन कर सकते हैं। आज से 100 वर्ष पहले तो क्या मैंने देखा है, केवल 30 वर्ष पहले 20 रुपया किलो घी होता था, जो आज 500 रुपये किलो के स्तर पर पहुंचा है। 300 वर्ष पहले 70,000 रुपये कितने करोड़ होंगे आप सोच सकते हैं। उसने एक मुट्ठी में दे दिया और कहा कि मेरी बिरादरी वालों को सबको छुड़ा लाओ। अब बाईजू राजी को कैद से छुड़ाया जाता है, श्री जी अब मस्कत बंदर से अवासी बंदर पहुंचते हैं, क्योंकि जिसने इतनी सेवा की उसकी आत्मा की भी जागने करना हमारा उत्तरदायित्व होता है। यह सोचकर श्री जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं, अवासी बंदर आते हैं, वहाँ कथा प्रारंभ होती है। भैरव सेठ अवासी बंदर के सेठ हैं, अरबोपति समझ लीजिए। भारत से गया हुआ एक व्यक्ति मुस्लिम देश में अरबोपति बन सकता है कैसे, अपने पुरुषार्थ से। यूपी के लोग यदि यहीं बैठे रहेंगे तो क्या होगा, हाँ ज्ञान में वैराग्य में उत्तर प्रदेश आगे रहा है, लेकिन ये भी तो समझिए देश का 5वां हिस्सा जनसंख्या में लगभग यूपी में रहता है। हमारा देश इतना बड़ा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रांतवाद नहीं होना चाहिए, हर प्रांत के लोगों की अपनी महत्ता है, लेकिन कहने का आशय यह है कि जहाँ के लोग पुरुषार्थी होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जहाँ के लोग आलसी अकर्मण्य हो जाते हैं, राग द्वेष में घिरे रहते हैं, एक दूसरे की निंदा में, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते। यूपी और बिहार में बहुत कुछ ऐसा ही हुआ है। श्री जी के मुखारविंद से चर्चा प्रारंभ होती है। आवासी बंदर में भी काफ़ी गुजरात के लोग रहा करते हैं, सब आने लगते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में स्वयं आकर के हमको राज्य ज्ञान दे रहे हैं तो उसको हम क्यों न सुने। भैरव सेठ प्रातःकाल आ जाते हैं, चर्चा शुरू हो जाती है। आपको तो प्राय 1.5 घंटे चर्चा सुनाई जाती है, श्री जी सवेरे से चर्चा प्रारंभ करते हैं और दोपहर बज जाते हैं, 6 घंटे कोई उठता नहीं है। आपको तो यदि 3 घंटे चर्चा सुना दी जाए तो दूसरे दिन से संख्या कम हो जाएगी, वहाँ बैठे बैठे पांव दुख जाते हैं, उनमें प्यास है, तड़प है कि 6 घंटा चर्चा सुन रहे हैं। दोपहर के भोजन के पश्चात पुनः चर्चा प्रारंभ हो जाती है, शाम तक चलती रहती है। भैरव सेठ संध्या के पश्चात अपने घर जाता है, कुछ आराम करता है। रात्रि में भी चर्चा प्रारंभ हो जाती है और प्रातः काल तक चलती रहती है। श्री जी जब उजाला हो रहा होता है तो श्री जी दातुन मंजन कर रहे होते हैं, कुछ सुंदर साथ उनके पास बैठे होते हैं और कुछ सुंदर साथ
बातें कर रहे होते हैं, कुछ लेटे होते हैं, अपनी पीठ से दी कर रहे होते हैं। आप सोचिए, उस युग में माइक नहीं था। आज के हर धर्म प्रचारक को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जागने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। श्री जी की उम्र उस समय 50 को पार कर गई है, बिना माइक के बोल रहे हैं। 6 घंटा के लगभग सवेरे बोले हैं, दोपहर से शाम तक बोले हैं, रात को बोले हैं। केवल चर्चा हो रही है, कीर्तन गाए जा रहे हैं और सुंदर साथ को ध्यान कराया जा रहा है। इतनी लगन, स्वयं इतनी भावना है श्री जी के अंदर कि मैं परम धाम की आत्माओं को किस तरह से जल्दी जागृत करूं। आज हमारे समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं, चर्चा का नाम निशान ही नहीं दिखता। 15-15 मिनट के छोटे छोटे प्रवचन हो जाते हैं, केवल भजन गाए जाते हैं, कहीं भी नहीं बताया जाता कि तुम परम धाम की आत्मा हो, तुम्हें परम धाम का ध्यान करना चाहिए। युगल स्वरूप की चितवनी तो जैसे छू मंतर सी हो गई है, पता ही नहीं चलता कि इस समाज की उपासना पद्धति क्या है। हम कहते हैं कि हम परम धाम से आए हैं, तो आपको परम धाम कैसे दिखेगा? जब आप ध्यान नहीं करेंगे तो क्या परम धाम दिख जाएगा? केवल घंटी घड़ियाल बजाएंगे, केवल आरती भोग को ही सब कुछ मांग लेंगे, चितवनी करेंगे ही नहीं, तो परिणाम क्या होगा? आपकी आत्मा कैसे जागृत होगी? सेवा पूजा के द्वारा बच्चों में धार्मिक निष्ठा तो भरी जाती है, लेकिन किसी की आत्मा को इससे जागृत नहीं किया जा सकता। आत्मा को जागृत करने के लिए अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसाना ही पड़ेगा। जब तक आपके मन के विकार दूर नहीं होंगे, जब तक अक्षरातीत के प्रति अटूट निष्ठा नहीं होगी, जब तक नख से सिख तक अक्षरातीत के चरण कमल आपको दिखाई नहीं देंगे, तब तक आपकी आत्मा कैसे जागृत हो सकती है? और जब तक हमारा समाज इस मार्ग पर नहीं चलेगा कि वाणी का चिंतन और चितवनी, तब तक जागने की आस अधूरी है। लोग यही सोचते हैं, अभी तक की चर्चा पूरे देश में हो रही है, देश विदेश में भी हो रही है। कोई कहेगा हमने 50 को जगा दिया, कोई कहेगा 100 को जगा दिया। जगाया तो नहीं, गले में लकड़ी जरूर बांधे, गले में तुलसी की कंठी बांधने से जागृत हुआ जाए, तो यदि हम सिर पर तुलसी का बोझ ही लाद लें तो क्या होगा? क्या हम परम धाम से भी ऊपर की अनुभूति हो जाएगी? तुलसी की कंठी हमें जागरूक नहीं कर सकती। तुलसी में औषधियों का गुण है, तुलसी उच्चतम औषधि है, यह मान सकते हैं। लेकिन हमारी आध्यात्मिक प्रगति तो तब होगी जब हम प्राणेश्वर अक्षरातीत को अपने हृदय मंदिर में बसाएंगे। आप देखिए, स्वयं अक्षरातीत हैं, जिस तन में अक्षरातीत का स्वरूप लीला कर रहे हैं, वह स्वयं कई कई घंटे चर्चा करता है। और आज लाखों के कार्यक्रम होते हैं, चर्चा चितवनी से समाज दूर है, बड़े बड़े करोड़ों के मंदिर बन जाते हैं, आश्रम बन जाते हैं, लेकिन चर्चा नदारद, चितवनी नदारद, यही हतभाग्य है हमारा। हमारा समाज अभी भी सो रहा है, 300 वर्षों से सोता आ रहा है। और आज जब संसार का हर व्यक्ति ध्यान की तरफ बढ़ना चाहता है, आप जाकर देखिए, दूसरे पंथों में देखिए, कई कई लाख लोग एक साथ बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। राधा स्वामी में कई लाख लोग एक साथ एक सेठ के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं। और हमारे समाज में मुझे ऐसा दृश्य कहीं नहीं दिखा कि 10,000 भी क्या, 5,000 भी लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हो। हाँ, नाचने की जहां बात आए कि सारे उठ के खड़े होकर के नाचने लगेंगे, बुढ़े भी नाचेंगे, बुढ़िया भी नाचेंगे। परम धाम कैसे दिखे? हमारी आत्मा को परम धाम का प्रकाश कैसे मिले? हमारी आत्मा कैसे जागृत हो? इस पर समाज आंखें मुद्दे बैठा है। बीतक हर वर्ष हर मंदिर में कही जाती है, इसका आशय क्या है? हम उन पद चिन्हों पर चलें जो राज्य ने हमें दिखाया है। महामती जी के तन में बैठकर, श्री देवचंद जी के तन में बैठकर धाम देने ने जो लीलाएं की है, जो निर्देश दिया है, उनका अनुसरण करना सबका कर्तव्य है। अब आवासी बंदर में जाकर श्री जी आप देखेंगे, इतनी चर्चा सुना रहे हैं, आखिर उनका भी तो मानव तन होगा।
थकान तो उस तन को भी लगती होगी, लेकिन उस वर्ष 50 साल से अधिक की अवस्था हो चुकी है, क्योंकि 1728 के पश्चात पहुंचते हैं अब्बासी बंदर में। उस समय अवस्था 53 वर्ष की है, सुबह दोपहर से पहले 6 घंटा, उसके बाद शाम तक चर्चा, पुनः रात को चर्चा, कम से कम तो 10 घंटे प्रतिदिन अकेले श्री जी का तन बोल रहा है। और यदि हम किसी बड़े कार्यक्रम में 2500 लाख का खर्च करें, 2 घंटे चर्चा प्रवचन नहीं मिले, तो उस कार्यक्रम को कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता। इसलिए यदि हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है, तो हमें आत्मचिंतन करना होगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा समाज भी किस दिशा में जा रहा है। भैरव सेठ प्रतिदिन चर्चा सुनने आते हैं, लेकिन श्री जी देखते हैं कि यहाँ इतने लोग आते जा रहे हैं, आखिर भैरव सेठ की आत्मा क्यों नहीं जागृत हो रही है। प्रतिदिन आता है बेचारा, श्रद्धा से सुनता है, लेकिन चला जाता है। श्री जी अचानक एक दिन पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहा है, गुड़गुड़ा पी रहा है। गुड़गुड़ा समझते हैं ना, तम्बाकू पी रहा होता है। गांव में क्या होता है, विदेश वालों ने धुआं निकाल कर तो गाड़ियां रेल के इंजन बना लिए, हिंदुस्तान के लोग आलसी हो गए, वो गुड़गुड़े पीते रहे और बैलगाड़ी पर ही चलते रहे। जो समाज शिक्षा से दूर हो जाता है, संस्कारों से दूर हो जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। शिक्षा, संस्कार और पुरुषार्थ ही मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। कभी याद रखिए, 2 करोड़ अंग्रेजों ने सारे संसार पर राज किया, जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था। अमेरिका से लेकर भारत तक, चाइना तक, सब देशों पर उनका कब्जा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया था। भारत के लोगों ने शिक्षा से अपने को किनारा कर लिया, पत्थरों पर सिर पटकते थे, मजारों पर सिर पटकते थे, अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं। जिस देश में ज्ञान का सूरज उगा, उस देश के लोग यदि अकर्मण्य हो जाएं, शिक्षा दीक्षा से रहित हो जाएं, पुरुषार्थ से रहित हो जाएं, तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यदि आप किसी समाज को नष्ट करना चाहते हैं, तो उसको अशिक्षित कर दीजिए, अपने आप नष्ट हो जाएगा। यदि आप उस समाज में शिक्षा दे दीजिए, संस्कार दे दीजिए, वो समाज अपने आप खड़ा हो जाएगा। जब इस देश के लोगों ने आध्यात्मिक चिंतन छोड़ दिया, परिणाम क्या हुआ, विनाश की आंधी से अपने को बचा नहीं पाए। श्री जी चर्चा कितना भी करते हैं, भैरव सेठ पर उसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि देख रहे हैं कि ये तम्बाकू पी रहा है, जिसको हुक्का कहते हैं। हुक्का पीना गांव में कहा जाता है, और आजकल तो बच्चे बच्चे के जीव पर आजकल गुटखा है। गुटखे के रूप में क्या होता है, तम्बाकू ही होता है। तम्बाकू ऐसा पदार्थ है जिसको जानवर भी नहीं खाता, गद्दा भी नहीं खाता, लेकिन मनुष्य उसको अपने होठों के नीचे दबाए रहता है। वो सोचता है कि इसमें बहुत स्वाद है। किसी से पूछिए शराब में क्या स्वाद है, सब कहेंगे शराब पीने वाले कोई स्वाद नहीं। तम्बाकू में क्या स्वाद है, कोई स्वाद नहीं। मांस में क्या स्वाद है, कोई स्वाद नहीं। लेकिन इसके बिना कहा जाएगा कि छोड़ दो, कहेंगे कि रहा नहीं जाता। ये सबसे बड़ी बीमारी है। एक दिन समझ में भी आ जाएगा तो कहेगा कि अच्छा कल से छोड़ दूंगा, आज खा लेने दीजिए। जब कल आएगा सोचेगा कि आज एक बार और देख लेता हूँ, अगले कल को छोड़ दूंगा। जो ऐसा सोचता है उसको अगला कल कभी भी नहीं आता है। और हमारे आध्यात्मिक जीवन में तो तामसिक आहार का सर्वथा निषेध है। यदि हमारी आहार की शुद्धता नहीं होती है, तो कितना भी हम ज्ञान सुने कोई लाभ नहीं। रावण भी चारों वेदों का पंडित था, इसलिए तो उसको 10 सिर बताए गए कि 10 विद्याओं का पंडित था रावण। विद्वता में राम से कहीं आगे था, लेकिन आचरण में पतित था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया। हम वेद शास्त्र भी पढ़ लें, हमारा आहार शुद्ध न हो, हमारा आचरण पवित्र न हो, तो हम ऋषि नहीं कहला सकते। पूरी ब्रह्मवाणी भी कंठस्थ हो आपको हो जाए। यदि आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं,
आपका आचरण पवित्र नहीं है तो आप परमहंस नहीं कहला सकते। ज्ञान तो मार्ग दिखाएगा, लक्ष्य को तो प्राप्त कराएगा आपके हृदय का प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, आपका विश्वास। इसलिए इतनी चर्चा सुनने के पश्चात भी भैरव सेठ की आत्मा जागृत नहीं हो पाती है। श्री जी कहते हैं कि भैरव सेठ, तुम संसार के सेठ हो और मैं परमधाम का सेठ हूँ। तुमने सुंदर साथ का उपकार किया है कि सुंदर साथ को छुड़ाया है, लेकिन मेरे ऊपर भी ऋण है कि तुम्हें मैं माया से छुड़ाऊं। मैं देखता हूं कि तुम अभी गुड़गुड़ा फिर रहे हो, तुम एक महीने की मुझे छूट दो। और क्या तुम्हें क्या करना होगा, पीना तमाकू छोड़ दे, वो मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, पर दारा चोरी न कब। शराब और सब कैफ, शराब पीना छोड़ दो, हर तरह का नशा छोड़ दो, तमाकू पीना छोड़ दो, पर स्त्री गमन छोड़ दो। यदि तुम ये सब कर लेते हो तो मैं केवल एक महीने की छूट मांगता हूँ, तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी। यदि एक महीने के अंदर तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होती है तो मैं वापस चला जाऊँगा, क्योंकि श्री जी के स्वरूप में कौन है, स्वयं श्री राज जी। सुंदर सात को सिखापन देनी है इस घटनाक्रम से कि यदि हम कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले लें, हमारे पूर्वज कितने भी वाणी का चिंतन करते रहे हों, लेकिन यदि हमारा आहार सात्विक नहीं होगा, हमारी आस्था कमजोर होगी, हम चितवनी नहीं करेंगे, वाणी का चिंतन नहीं करेंगे और तामसिक पदार्थों के साथ अभक्ष पदार्थों का भोजन करेंगे तो हमारी आत्मा भी कभी भी जागृत नहीं हो सकती है। श्री जी स्वयं अक्षरातीत चर्चा कर रहे हैं फिर भी भैरव सेठ की आत्मा जागृत नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे मूल कारण क्या है, भैरव सेठ का आहार विहार अपवित्र है। जब श्री जी मस्कत में चर्चा कर रहे थे तो वहाँ भी बंदी, वहाँ जो बंदी खाने का जो दरोगा था बार बार आता था कि किसी ये छुड़ाने वाले कौन है जो यहाँ आए हुए हैं। उसको लगा कि ये जो चर्चा कर रहे हैं यही छुड़ाने के लिए आए हैं, बार बार कहता था कि आपके परिचय कोई तो हैं तो इतना पैसा लगेगा। श्री जी ने क्या कह दिया था, मैं किसी को छुड़ाने नहीं आया हूँ, जो कैदखाने में हैं, जो उनका परमात्मा होगा वो उनको छुड़ाएगा, उसको चिंता करनी है, मुझे कोई चिंता नहीं करनी है। एक बार जब देवचंद जी के तन से लीला हो रही थी, देवचंद जी के मन में आता था कि बिहारी जी और यमुना भाई दोनों बड़े हो गए हैं, इनका क्या होगा। आपको मालूम है जब राज्य अवैध स्वरूप से दर्शन देते थे तो देवचंद जी को दिखाई नहीं देते थे, सब सुंदर साथ देखता था। राजी ने संदेश भिजवाया देवचंद जी के पास कि उनसे जाकर के कह दीजिए कि उनके तन से मैं लीला कर रहा हूँ, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, कि बिहारी जी का कार्य क्या है, बिहारी जी का क्या होगा और जमुना बाई का काम होगा, जो कार्य मैंने सौंपा है उस कार्य को करते चलें, आगे का सारा कार्य तो मुझे करना है। यही बात अब इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा धामधनी अब जागने की लीला कर रहे हैं। जब बंदी खाने का दरोगा सूचना लेकर के आता है कि आप के परिवार के सदस्य हमारी कैद में हैं, इतना पैसा लगेगा, श्री जी ने साफ मना कर दिया होता है कि मुझे किसी को छुड़ाने का उद्देश्य नहीं है, जिसकी आत्मा होगी वो जाने, मेरा कार्य जो है परमधाम का जान देना वो मैं दे रहा हूँ। श्री जी भैरव सेठ को यही सुनाते हैं कि भैरव सेठ केवल एक महीने के लिए तुम परहेज कर लो। भैरव सेठ ने दृढ़ संकल्प मानता, तमाकू का जो पीने वाला जो होता है उसी दिन अपने सामने सबके तोड़ दिया
और परिणाम क्या हुआ? अपनी पत्नी को बुला करके कह दिया कि देखो मेरे बर्तन अलग रहेंगे, आज से मांस नहीं पकेगा, ना मेरे घर शराब परोसी जाएगी। जब ये बात उनकी पत्नी ने सुनी तो बड़बड़ करने लगी। बड़बड़ करने का मतलब झगड़ा करने लगी। पत्नियों को किससे प्रेम होता है? शरीर, पति के शरीर से, आत्मा से नहीं। वो कहने लगी कि मांस के बिना तो ये जिंदा नहीं रह सकते। नहीं नहीं बाबा आ जाते हैं जो सबको बहकाते रहते हैं, बिना मांस और शराब के इनके शरीर कैसे पलेगा। लेकिन जब भैरव ने संकल्प दृढ़ कर लिया कि मुझे मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, तो पत्नी का झगड़ा कहाँ तक ले जाता। जो धर्म की बात कहता है, एक छोटा बच्चा भी कहता है, तो उसकी सुननी चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन धर्म के विरुद्ध संसार का कोई भी रिश्ता हो, गलत बात कहता है, तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही सृष्टि को धारण कर रहा है। संसार के किसी रिश्ते से नहीं बदलना चाहिए, केवल धर्म से बदलना चाहिए। शत्रु भी यदि धर्म की बात कहता है तो उसकी बात माननी चाहिए, और सगा से सगा, घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र, चाहे पति हो या पत्नी हो या घर का कोई सदस्य हो, धर्म के विपरीत अनुचित बात कहता हो तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही सृष्टि का रक्षक है। संसार के रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं। आज हम किसी के पुत्र हैं, कल पिता बनेंगे, कल परसों अगले जन्म में कुछ और बनेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन धर्म का रिश्ता अटूट है हमारी आत्मा के साथ, अक्षरातीत के साथ अटूट रिश्ता है। इसलिए जो अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनते हैं, सत्य और धर्म का आचरण करते हैं, वही संसार में पूज्य होते हैं। संसार उनके ही कथनों का आचरण करता है। पत्नी बड़बड़ाती रही। भैरव सेठ ने कहा कि देखो मैंने केवल एक महीने का संकल्प किया है, मैं इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। मुझे हर स्थिति में मांस का परित्याग करना ही है, नशे का परित्याग करना ही है, कोई भी पाप कर्म मैं एक हफ्ते एक माह के लिए बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्त्री जी का निर्देश है और मैं उसको पालन करूंगा। चर्चा सुनने आता है अगले दिन से। भोजन तामसिक छोड़ चुका है, तामसिक आहार से बुद्धि में जो मलिनता रहती थी अब वो है नहीं। पहले दिन श्री जी ने हद की पहचान कराई, कैसे सृष्टि बनती है, अक्षर कमन नारायण के रूप में मोह सागर में आता है, नारायण बनता है, नारायण की सृष्टि है, कैसे कैसे होता है सब बताया। दूसरे दिन अखंड ब्रजराज की लीला का वर्णन किया, कैसे वो लीला अखंड हो गई। तीसरे दिन परम सो लीला अद्वैत परम धाम का वर्णन किया, परम धाम की शोभा लीला का वर्णन करने लगे। और जब वर्णन करने लगे किस तरह से हद बेहद से परे, यानी अष्टावरण से युक्त 14 लोक के आगे शून्य है, मोह सागर है, जिसमें नारायण का वास है, उसके आगे अव्याकृत में चिदानंद लहरी, अव्याकृत में सुमंगला पुरुष है, उसके आगे सबलिक में चिदानंद लहरी है, अखंड ब्रज की लीला है, रास की लीला है, सबलिक केवल सत्सर्व को पार करके, किस तरह से परम धाम के बड़े रंग की हवेलियों से होते हुए पुनः छोटी रंग की हवेलियों में प्रवेश करते हैं, उससे होकर आगे जब वर्णन किया उन्होंने कि केल का पुल आएगा, केल के पुल से होकर यमुना जी के पाल पर होते हुए पाट घाट कैसे गए, पाट घाट में स्नान किया, अंगना भाव का वस्त्र धारण करके किस तरह से चांदनी चौक से होते हुए मुख्य द्वार से होकर आगे 28 स्तंभ के चौक, चार चौरस हवेलियों को पार करके मूल मिलावे में हमारी आत्मा कैसे प्रवेश करती है, जिसमें सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है, सिंदूरिया रंग को चीरा है, आसमानी रंग जराव की पिछौरी, नीलो नपीलो बीज के रंग का पटुका, केसरिया रंग की जार, श्वेत रंग को जामा, जैसे ही श्री जी वर्णन कर रहे होते हैं, तीसरे दिन भैरव सेठ खड़ा हो गया कि धाम धनी आपके चरणों में मुझ आत्मा का सर्वस्व समर्पण, मुझे जो वस्तु थी वो मुझे प्राप्त हो गई। क्यों प्राप्त हो गई? किसी साधु को आप बात बताएंगे तो हो सकता है गहराई से न सुने, लेकिन जो कोई पाप कर रहा होता है,
यदि उसको ठोकर लग गई तो उसको प्रायश्चित बहुत होता है कि अरे मैंने इतना पाप कर लिया। साधु महात्मा विद्वान सोचते हैं कि हमने तो इतना कर लिया, हमें कुछ ज़्यादा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। उनमें श्रद्धा की कमी पाई जाती है। जब आपको भूख लगी होती है तो कुछ भी सामने रोटी दे दिया जाए तो टूट पड़ते हैं, और जो भूख न लगी हो तो अच्छी भी से अच्छी वस्तु दी जाए तो उसमें मीन मेक निकालते हैं कि इसमें ये कम पड़ा है, इसमें ये कम पड़ा है। भैरव सेठ के अंदर परम धाम की आत्मा है, माया के थपेड़े में मांसाहार का भी सेवन कर रहा है, नशा भी कर रहा है, बुरे कर्म भी हो जा रहे हैं, लेकिन जब श्री जी के ज्ञान के प्रकाश से उसको ठोकर लगती है तो उसकी चेतना जागृत होती है कि मैं हीरा और कीचड़ में कहाँ फंस गया हूँ। दृढ़ संकल्प कर लेता है और उसी दृढ़ संकल्प से सच्ची निष्ठा के साथ वो चर्चा सुनता है। चर्चा तो पहले भी सुन रहा था लेकिन अंदर शराब है, मांस है, इसलिए उसके हृदय में पवित्रता नहीं आ पाती है, सुनते हुए भी अनसुना कर देता है। धर्म ग्रंथों का क्या कथन है? श्रद्धया लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धा से समर्पण होता है, और समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। समाधि की प्राप्ति कब होती है? समर्पण से। जिसमें श्रद्धा आ गई, समर्पण आ गया, उसके लिए राजी का दर्शन कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़े से बड़े विद्वान में, तपस्वी में, साधना करने वाले में श्रद्धा और समर्पण का गुण नहीं आता है। भैरव सेठ भले ही शराबी था, भले ही कबाबी था, लेकिन उसने एक महीने के लिए श्री जी पर अटूट श्रद्धा रखी, अटूट समर्पण रखा, इसलिए पूरे एकाग्र मन से श्रद्धा जो चर्चा का श्रवण किया श्री जी की कृपा दृष्टि से, तीसरे दिन ही बिना चितवनी किए चर्चा के मध्य उसको दर्शन हो गया। ये घटना हमें क्या शिक्षा देती है? भले ही हम किसी मंदिर से जुड़े रहें, हमारे आहार में तामसिकता रहेगी, हम खूब तीखी तीखी मिर्चें खाते रहें, लहसुन प्याज खाते रहें, 10-10 कप चाय काफ़ी उड़ेलते रहें और आंख बंद करके ध्यान करें, ध्यान थोड़े लगेगा। हम खुद को धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। हम राज्य पर पूरी तरह समर्पित नहीं, हमारे हृदय का प्रेम राज्य से ज़्यादा किसी और के लिए, और सोचे कि राज्य का दर्शन हो जाए, क्यों होगा। एक माली भी जो पौधा लगाता है तो अपने लगाए हुए पौधे के पास कोई घास उगने नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम है कि यह घास उगेगी तो इस पौधे को बढ़ने नहीं देगी। राज्य का जब सच्चा प्रेम होता है तो सबसे मन टूट जाता है, केवल एक राज्य रह जाते हैं। भैरव सेठ के साथ यही होता है, उसने अपने हृदय का समर्पण राज्य के लिए कर दिया। उसने पत्नी की बात ठुकरा दी, बच्चों की बात ठुकरा दी, सब चिल्लाते रहे, झगड़ा करते रहे, भैरव सेठ ने तय कर लिया कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। श्री जी ने कह दिया है कि शराब नहीं पीना है तो नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है तो नहीं खाना है। हमारे समाज को भी चाहिए, हमारा समाज क्या, संपूर्ण मानव मात्र को चाहिए कि अपने आहार में सात्विकता लाए। जब तक हमारा आहार सात्विक नहीं होगा, हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक हम कितनी भी वाणी पढ़ेंगे, वाणी का रस हमारे हृदय में पूरी तरह से नहीं जाएगा। अभी तो देखा जाता है, बड़े बड़े आश्रमों में जाइए, इतनी तीखे लाल मिर्चें पड़ी होती हैं, इतने गर्म मसाले पड़ते हैं कि उनको भोजन करना ही कठिन होता है। जहाँ इतनी तीखी मिर्चें खाई जाती हों, गर्म मसाले खाए जाते हों, तीखे तीखे अचार खाए जाते हों, वहाँ कोई परमहंस पैदा होगा ऐसा नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि उस आध्यात्मिक अवस्था को पाने के लिए तो अपने इंद्रियों को तपाना पड़ेगा। रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे के। परमधाम की ब्रह्मात्मा कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, वो सात्विक आहार करेगी। जब तक आहार में सात्विकता नहीं होगी तब तक हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति है, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षा। छांदों को प्रसाद में लिखा है कि आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धता होती है। हम जो भी खाते हैं उसका स्थूल भाग मल बनता है, सूक्ष्म भाग रस बनता है, और उससे भी सूक्ष्म भाग जो होता है उससे मस्तिष्क के विचार तंतु बनते हैं। हमारे विचार वैसे ही होंगे जैसा हम भोजन करेंगे। योगी को भोगी का भोजन दीजिए, वो भोगी हो जाएगा।
भोगी को योगी का भोजन दे दिए वो योगी हो जाएगा। इसलिए आहार हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, नहीं तो कितना भी कोई धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर ले, आहार शुद्धि नहीं होगी तो बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो मन उसका पवित्र नहीं होगा, कितना भी ध्यान करेगा उसका ध्यान लगने ही वाला नहीं, और बिना ध्यान समाधि के कोई निर्मल हृदय का हो नहीं सकता, ना आत्म साक्षात्कार कर सकता है ना परात्म साक्षात्कार कर सकता है। आवासी बंदर के अंदर आपने अभी तक यह घटनाक्रम सुना, अब समय पूरा हो रहा है, आगे आवासी बंदर में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं आप कल सुनेंगे। आज की विशेष शिक्षा कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार में शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए, यदि ज्ञान का प्रचार शिथिल हो जाता है, ध्यान की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है, आहार में सात्विकता का ह्रास हो जाता है, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो समाज का व्यक्ति का पतन वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। यदि समाज को आगे बढ़ाना है वाणी का चिंतन बढ़ाना पड़ेगा, चित्वनी की प्रक्रिया बढ़ानी पड़ेगी और आहार में सात्विकता को अनिवार्य कर देना पड़ेगा। बिना आहार के सात्विक किए यदि कोई चाहे कि मैं आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंच जाऊं, यह कभी भी संभव नहीं है। अब चुपाई तो रहे। मैं जन्म भर को छोड़िया ए चारों वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्राप्त, पाया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।